विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कोरोना की महामारी और इस महामारी से जूझता मध्य प्रदेश, जूझता इंदौर, लगातार प्रयास हो रहे हैं, प्रयासों के सुफल आने भी लगे हैं। पिछले 2-3 दिन से पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है, अस्पताल से छूटकर डिस्चार्ज होकर जाने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। संतोष की बात यह है कि कोरोना से मरने वालों की संख्या भी कम है, और जो लोग मारे गए हैं वो इसलिए भी मारे गए हैं कि उन्हें दूसरी गंभीर बीमारियां थीं, जैसे डायबिटिक, हार्ट, कैंसर या अन्य। लेकिन फिर भी सतर्कता तो रखनी होगी, सावधानी तो बरतनी होगी। दर्शकों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोरोना की जो शुरुआती लक्षण है उसमें सर्दी खांसी होती है, छींकें आती हैं, गले में खराश, गले में कांटे से उभना, गले का चिकना हो जाना, घबराहट होना, कुछ थूक निगलने में भी गले का दुखना, और उसके बाद जो इन्फेक्शन है, जो कोरोना वायरस है, वो कहीं ना कहीं हमारे चेस्ट, हमारे फेफड़ों, हमारे सीने को जकड़ लेता है और वहीं आकर जानलेवा होता है। तो अगर हमारा नाक, हमारा गला सुरक्षित हो जाए, और जैसे ही हमें नाक में या गले में कुछ सुरसुराहट, खरखराहट महसूस हो और हम किसी ENT सर्जन को या ENT डॉक्टर को दिखा लें, तो हम काफ़ी हद तक अपने आप को बेहतर और सुविधाजनक स्थिति में पा सकते हैं। कोरोना से बचाव के क्या तरीके हों, मास्क कैसे पहनना चाहिए, कब तक पहनना चाहिए, और ये मानकर चलिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये मानकर चलिए कि जिस तरह से स्वाइन फ्लू, जिस तरह से डेंगू, जिस तरह से मलेरिया हमारे जीवन में आ गया है, उसी तरह से कोरोना भी हमारे जीवन में आ गया है। ये वायरस आ चुका है और अब हमको इस वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा, इस वायरस का मुकाबला करते हुए जीना पड़ेगा, इस वायरस से लड़ते हुए जीना पड़ेगा। तो क्या सावधानियां बरतनी होंगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ देश के लब्ध प्रतिष्ठित ENT सर्जन डॉक्टर विजय चरड़िया मौजूद हैं। इंग्लैंड और अमेरिका में उन्होंने पढ़ाई की है, अमेरिका में काम किया है उन्होंने, लंबे समय से, 2 दशक से ज़्यादा वे प्रैक्टिस करते हैं, ENT सर्जन है, अनेक जटिल ऑपरेशंस कर चुके हैं, रिसर्च उन्होंने की हैं, करते हैं, आज भी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वे मरीज को बहुत ही कम दवाई देने के लिए और बहुत ही मितवे इलाज करने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर चोरड़िया, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर विजय, आपसे सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि कोरोना की जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं आपके फील्ड से होती है, और उसका जो अंत होता है पेशेंट का, वो चेस्ट फिजिशियन की फील्ड पर होता है। सर्दी का होना, खांसी का आना और गले में खरखराहट होना, गरा थूक निकलना, जो मैंने शुरुआती लक्षण बताए, ये सब हो तो सबसे पहले आपके पास अगर पेशेंट आ जाए तो उसे क्या आप ट्रीटमेंट करेंगे, क्या सलाह देंगे उस वक्त? जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता है और कोरोना वायरस, इन दोनों में क्लिनिकली तौर पर डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, पर चूंकि अभी हम कोरोना पैंडेमिक के संदर्भ में ही पूरा दुनिया बात कर रही है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई भी अचानक सर्दी खांसी या छींक आना या बुखार आना या गले में दर्द होना या नाक में स्टफीनेस रहना या बॉडी में कमजोरी महसूस करना आदि, या कभी कभी कुछ मरीजों में स्मेल, सूंघने की शक्ति में परिवर्तन होना या स्वादहीन जुबान, तो इस तरह के अगर सिम्टम्स होते हैं तो हमें उसको कोरोना की तरह से ही देखना चाहिए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है कि कोरोना, COVID-19 इसको बोला जाता है, इस वायरस को, क्योंकि 2019 में वहाँ चाइना में इसका ओरिजिन हुआ, 2019 में वो डॉक्टर साहब, मैं इसमें थोड़ा सा रोकूंगा, एक मिनट के लिए। क्या हर सर्दी जुकाम खांसी, सीजनल सर्दी जुकाम खांसी, सीजनल बुखार, सीजनल छींके आना, एलर्जिकल छींके आना भी कोविड में माना जाएगा? जी नहीं, जी नहीं। जो नॉन पेशेंट्स एलर्जी के रहते हैं, जिनमें 50 छींकें, 20 छींकें या 100 छींकें आती है,
वो एलर्जिक राइनाइटिस के नॉन पेशेंट उसको हम कोविड से नहीं कर सकते। कोविड में छींक इतना छींकों का आना कम होता है, मेनली कोविड में फीवर और बॉडी एक वगैरह होना और हल्के से सर्दी खांसी या गला का सोर थ्रोट होना होता है। और दूसरा जो वीकनेस है, डिस्प्रोपोर्शनेट वीकनेस आएगी इसमें, अदरवाइज इससे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ज़्यादा समस्या नहीं होती है क्योंकि वायरस सीधा जो है लंग्स में पहुंच जाता है। तो हमारे लिए डिफरेंशिएट करना कोविड से दूसरे में डिफरेंशिएट करना क्लिनिकल तौर पे बहुत मुश्किल होता है। इसे कुछ साइंस गले में होते हैं, कुछ अल्सर्स वगैरह टॉन्सिल्स में हो जाए इससे, ये पर बहरहाल ऐसा कोई डिफरेंशिएशन क्लिनिकल तौर पे करना बहुत मुश्किल होगा। तो डॉक्टर साहब फिर तो आप लोगों के लिए अब इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ज़ाहिराना तौर पे, कि लोग आपके पास तो आते ही इस बात शिकायत को लेके कि साहब गले में दर्द हो रहा है, साहब बहुत दिनों से खांसी आ रही है, 15 दिन हो गए, महीने भर हो गए, खांसी जाती ही नहीं है, और ये छींकें बहुत आती हैं मुझे, या जुकाम मेरा 15 दिन से जा नहीं रहा है, ज़्यादातर तो लोग इसीलिए आते हैं। तो फिर आप कैसे उसको देखेंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि आप तो उसको कह देंगे कि भाई तुझे तो कोविड लग रहा है, रेड अस्पताल में जा, मेरे क्लिनिक पर मैं देखूँगा ही नहीं। इसमें अब जो है बहुत ही व्यवहारिक डिफ़िकल्टी ये आने वाली कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि पेशेंट कोविड का है या नहीं है, क्योंकि अगर सामान्य क्लिनिक पे अगर कोई कोविड का पेशेंट आएगा तो डॉक्टर या जो डॉक्टर का जो स्टाफ, क्लिनिक का स्टाफ है या दूसरे मरीज बैठेंगे उनके संक्रमित होने के अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमें इस स्थिति में मरीजों से फिक्स शेड्यूल बनाना पड़ेगा, टाइम करना पड़ेगा, उसको मरीज के लिए कंपलसरी मास्क पहनना रहेगा और हमें एक डिस्टेंस में ही उससे चर्चा करके मरीज से बात सर करते आपको हैं। अगर मेरा गला देखना है, मेरी नाक देखनी है तो आप डिस्टेंस से कैसे देखेंगे? हाँ, उसके लिए जो एसोसिएशन ईएनटी सर्जन है वो उसके लिए गाइडलाइंस बना रहे हैं कि एक डिस्टेंस से पेशेंट को एंडोस्कोप या दूरबीन के द्वारा देखा जाए, लेकिन अभी फिलहाल के तौर में हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे हम मरीज को डायरेक्ट गला देख सकें, क्योंकि हेड शील्ड लगाएंगे, N95 मास्क पहनेंगे, हेड शील्ड लगाएंगे और उसके बाद हम उस मरीज का गला या नाक देखने में, वो भी हमें एक थोड़ी दूरी रखना मेंटेन कर, पहले हमारे पास मरीज बहुत क्लोज बैठता था लेकिन अभी हम कम से कम उसको 3 फीट की दूरी पे रख के ही हम देख पाएंगे। तो हेड शील्ड, मास्क और गाउन या जो किट होती पीपीई किट वो पहन के ही हम काम। डॉक्टर विजय चोरड़िया ये बताइए कि अभी पूरा देश या पूरे इंदौर के लोग COVID-19 या कोरोना फोबिया में जी रहे हैं, डर भय है कोविड। अब सब घर में बहुत सारे भी पेशेंट्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, लोग हैं, आप लोग भी टेलीमेडिसिन कर रहे हैं, फ़ोन पर इलाज कर रहे हैं, क्लिनिक आप लोगों के सबके बंद हैं, प्रशासन ने आपको अनुमति नहीं दी है, आप अनुमति भी दी जाए तो खोल नहीं रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टरों ने अपने मोबाइल बंद कर लिए हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, प्रशासन और डॉक्टरों के बीच में तलवारें खींची हुई हैं, आज भी कुछ सरकारी डॉक्टरों को के बर्खास्तगी के आदेश दिए गए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जिला कलेक्टर मनीष सिंह साहब कर रहे हैं, ये समस्या हैं। लेकिन जो आपके रेगुलर पेशेंट हैं जिनको आप फ़ोन पर मशवरा दे रहे हैं, वे क्या सावधानियां रखें कि उन्हें सर्दी ना हो, उन्हें खांसी ना हो, उन्हें जुखाम ना हो और उनका गला ठीक बने रहे? क्या उनको दवाइयां लेना चाहिए, क्या विटामिन्स लेना चाहिए या क्या केयर करनी चाहिए कि वो घर में रहते हुए भी सर्दी जुखाम खांसी से बच जाएँ ताकि ये खतरा ना हो कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया है? सबसे पहले मैं मरीज़ को जितनी भी टेलीमेडिसिन हम टेलीफोनिक परामर्श देते हैं उस मरीजों को सबसे पहले बता दूं कि कोविड से डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस इन्फेक्शन तो बहुत करता है, कॉन्टेजियस बहुत है, लेकिन इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है वो मॉर्टेलिटी का मृत्यु दर जो है वो कम है। तो इसलिए सबसे पहले हमें मरीज़ को जो कोरोना तो ऐसा बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि आपको कोरोना हो गया तो आप मरी जाओगे। तो इसमें कम से कम ऐसे 80-85% ऐसे हैं जिनमें कि बहुत कम हल्के सर्दी जुकाम या खांसी होंगे ऐसा होगा। तो हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि अभी जो भी मरीज इस प्रकार का आते हैं उनको हम जनरल जो हमारे एंटी एलर्जिक डिकंजेस्टेंट साइरस और टेबलेट्स होती वो देते हैं, और जिनको जो रेगुलर इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जीवाणु, उनको एंटीबायोटिक का कोर्स दिया जाता है, और जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस या उनको स्टेरॉइड के स्प्रे वगैरह हम प्रिस्क्राइब करते हैं, बुखार के लिए सिंपल पैरासिटामॉल वाली गोली देना चाहिए, हमें डाइक्लोफेनिक या आइबुप्रोफेन जैसी गोलियां मरीजों को नहीं दी जाना चाहिए, क्योंकि वायरस इन्फेक्शन में बॉडी का इम्यूनिटी कम होता है और अगर हमने इम्यूनिटी को और कम करने के लिए कुछ ऐसी दवाएं डाल दी तो इसलिए फिर वायरस से बॉडी को संघर्ष करने की क्षमता कम होती है। इसलिए हमें जो हमारे यहाँ कई बार लोगों ने बताया कि विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कुछ
गार्लिक्स हैं, तो वो सब चीज़ें जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। लेकिन इस सच ऐसी कोई इम्यूनिटी का दवा या कोई टेबलेट नहीं है जिससे कि ये वायरस संक्रमण ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको मरीज को अगर हमने उसको काउंसलिंग कर दिया, समझा दिया और उसके बाद जनरल ट्रीटमेंट किया, और अगर कुछ ऐसा कंडीशन लगा कि जिससे कि उसको सांस लेने में डिफिकल्टी आने लग गई, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया 85%, उस सिचुएशन में हमको उस मरीज को हॉस्पिटल में जो येलो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जाके उसकी कोविड की जो आरटीपीसीआर टेस्टिंग है उसके लिए हमको करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं घर पर हूँ अभी, आप मुझे क्या सलाह देंगे कि मैं क्या क्या सावधानियाँ बरतूँ कि मुझे सर्दी जुकाम खांसी हो ही ना? नहीं, एक तो हमें इस पर सबसे बड़ी बात है कि गले में हमें ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, आइसक्रीम्स हुआ, ठंडा कोल्ड। अभी तो गर्मी शुरू हो गई, 41 डिग्री टेम्परेचर है, तो भी फिर भी ठंडी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट गले में आपको ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ठंडी चीज़ें गले में सडन चिल्ड, खासकर चिल्ड आइटम लेते हैं, तो उससे आपको वायरल संक्रमण के चांस बढ़ जाते हैं, या वायरल अगर संक्रमण है तो उसकी सीवियरिटी बढ़ती है। इसलिए कई लोग हमारे यहाँ वार्म सलाइन गार्गल के ऐसा सुझाव देते हैं, वो उसका मकसद सिर्फ ये है कि गले में टेम्परेचर बना, तो नमक के गरारे करने की आदत बनाई, जिस तरह से एंटीसेप्टिक, खासकर मैं सोचता हूँ इसमें जो कोविड 19 में सबसे बढ़िया जो दवा है वो बीटाडीन गार्गल से, वो 2.5 ml दवा से हम 3 मिनट तक अगर गार्गल करेंगे तो वो बीटाडीन जो एंटीसेप्टिक गार्गल है उसकी थोड़ा सा वायरस के अगेंस्ट भी एक्शन है, पर वो 3 मिनट गले में कुल्ला करना चाहिए और सिर्फ 2.5 ml दवा से। नॉक्सर हम लोग क्या करते हैं कि आधी ग्लास पानी में दवा डालते हैं, जो कि गलत तरीका है। और ऐसा देखिए, बीटाडीन तो अभी सब कोई ला नहीं पाएंगे, लेकिन अगर वो अपनी हैबिट बना लें कि ब्रश किया रात में सोते वक्त या दिन में, और दिन में सुबह शाम दो बार अगर नमक के गार्गल कर लें कुनकुने पानी से, तो क्या फायदेमंद रहेगा? वो लिक्वॉर्म वाटर से अगर आप करेंगे तो ठीक है, लिक्वॉर्म वाटर, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना, इसमें मोस्ट सबसे महत्वपूर्ण बात, ठंडा पानी नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं खाना है, फ्रीज का रखा हुआ तरबूज ठंडा नहीं खाना है। अगर आपने फ्रीज में रख भी रखा है तो उसको 1-1.5 घंटे खाने के पहले निकाल के बाहर रख लीजिए, उसको तापमान में ले आइए, रूम टेम्परेचर का जब हो जाए तब उसको खाइए, यही कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है सर कि अगर आप सर्दी जुकाम खांसी से बचना चाहते हैं तो अपना विटामिन सी लेते रहे। हाँ, विटामिन सी, विटामिन D3, ये दोनों, विटामिन सी तो जनरल बॉडी की इम्यूनिटी बूस्टअप करता है, इसलिए अगर विटामिन सी लेने के लिए 500 मिलीग्राम का टेबलेट या 2 या 3 बार लेना पड़ेगा दिन में आपको, तब जाके उसकी इफेक्टिव वायरल्स के अगेंस्ट होगी। सो लिम सी सक्सी ऐसे जो टेबलेट्स अवेलेबल रहते हैं वो होता है। विटामिन डी का भी क्लेम किया गया है, वो भी एक अच्छा इसके लिए फाइट करने के लिए है। और अगर विटामिन सी अवेलेबल नहीं है तो मौसमी, संतरा और लेमन जूसेस, ये इसमें जो साइट्रस फ्रूट्स हैं उसमें विटामिन सी अच्छा होता है, तो खट्टी चीज़ें खाएं और अपने खाने में नींबू का इस्तेमाल करें, या तो एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ के पी लें। हाँ, दैट इज़ वेरी गुड। अगर वैसे भी जिन लोगों को, जो लोग प्रीचर रहते हैं, भाषण देते हैं या आवाज़ की देखभाल रखते हैं, उन लोगों को हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि गुनगुने पानी में नींबू डाल के, और ताकि वो म्यूकस को क्लियर करता है, लेमन का क्वालिटी होता है, तो वो लेमन विटामिन सी के साथ साथ गले के जो सिक्रीशन, थिक सिक्रीशन है, उनको भी वो क्लियर करता है, तो वो अच्छा, तो वो भी ठीक रहेगा और उससे आपको विटामिन सी मिलेगी। आंवला खाइए, घर में आप किसी भी रूप में आंवला खा सकते हैं डॉक्टर साहब। जी, वही विटामिन सी, वो भी ठीक रहेगा। आंवला इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। और क्या सलाह देना चाहेंगे घर में, खासतौर पर जिन लोगों को एलर्जिक प्रॉब्लम है और एलर्जी से छींकें और जुकाम हो जाती हैं? मेरा सबसे कहना है कि घरों में भी आप लोगों को अच्छी क्वालिटी का N95 ट्रिपल लेयर जो मास्क होते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, घर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रहना चाहिए, और बार बार हमें हाथ धोने की हैबिट डालना चाहिए, और जो हाथ धोते हैं हम, तो 20 सेकंड के लिए हाथ साबुन से अच्छे रगड़ के जो, तो उसका एक बार दिखा दीजिए आप मेरे दर्शकों को, दिखा दीजिए किस तरह धोना है। जैसे एक स्टेप साबुन का ये रहेगा धोने का, जी ये रहेगा, दूसरा, तीसरा ये स्टेप रहेगा, ये स्टेप रहेगा, फिर ऐसे नाखून को, तो इस टोटल रिस्ट तक, और 20 सेकंड तक साबुन रहना चाहिए, और फिर उसको वॉश करना चाहिए। ये एक सबसे, एनी सोप, एनी साबुन, कोई भी साबुन, कोई इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं हो सके। और सैनिटाइजर का यूज घर के बाहर यूज करना चाहिए, बार बार सैनिटाइजर का यूज घर में अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्किन को खराब करेगा, कई बार स्किन खराब होता है, कई बार जो हमारी स्किन पे जो जीवाणु रहते हैं उसको वो बार बार, जैसे कोई लोग डेटॉल यूज करते हैं तो उसको डिस्टर्बेंस करते हैं वो लोग, और वो आदि हो जाता है जीवाणु, कमेंसल ऑर्गेनिज्म, कमेंसल बैक्टीरिया जो रहते हैं चमड़ी के, जहाँ चेहरे वेहरे के। और दूसरा है कि हमें हमारे हाथ को बार बार फेस पे टच करने की जो हैबिट होती है, अब इनवर्टेंटली हमारे नॉर्मली होता है कि चेहरे पे खुजली आएगी या कुछ भी आएगी तो बार बार, तो वो एक हैबिट आपको बनाना चाहिए कि बार बार हमें नाक में उंगली ना करें, मुंह में उंगली ना करें। और एक चीज़ जो मैं रेगुलर सबको बताना चाहता हूँ कि रोज आप जब सुबह उठते हैं
तो अपने नाक को अच्छे से पानी लेके, दोनों नॉस्ट्रिल में अच्छा गीला पानी थोड़ा अंदर खींच के, नोज़ को बराबर वॉश रखें, नोज़ की सफाई रखें, क्योंकि वहाँ पे कई बार सिक्रीशन जम जाते हैं, जीवाणु रहते हैं। अगर आपने अच्छे से नोज़ को क्लीन रखा तो ये आपके लिए बिल्कुल बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब, मास्क के बारे में आप बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जो लोग डॉक्टर हैं आप जैसे और मरीजों को देखने जाते हैं वो ऐसा मास्क पहने, जो बीमार हैं उनको मास्क वैसा वाला पहनना चाहिए, लेकिन सामान्य आदमी एक देशी गमछा जो होता है जिसको हम टॉविल कहते हैं, दुपट्टा कहते हैं या मफलर कहते हैं, उसको लपेट ले मुंह पे और ऐसा लपेट कर ही घूमे, बाजार में भी जाए बाहर भी जाइए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, तो भी पर्याप्त होगा। घर में भी, घर में अगर आप सब लोगों में स्वस्थ हैं तो घर में मास्क लगाने की या गमछा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन घर से बाहर निकलें तो अपना कुछ कपड़ा बांध लिया या छोटा सा मास्क बांध लिया, ये क्या तरीका, सही तरीका क्या होगा? ये जो वायरस का संक्रमण है वो ड्रॉपलेट और माइक्रो ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन होता है, तो जब भी हम खांसते हैं छींकते हैं तो उस ड्रॉपलेट से माइक्रो ड्रॉपलेट्स में ये उड़ता है, तो 2 फीट की दूरी तक उड़ता है। तो अभी तो हमें घर के अंदर ये पता नहीं कि कौन कोरोना से संक्रमित है या नहीं है कोई, तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कोई भी अगर सामान्य मास्क भी घर पे हम, या डबल 2-3 लेयर कपड़े की कोई अगर घर में भी पहन सके अगर पॉसिबल हो, या घर में अगर अपने रूम्स या ऐसी डिस्टेंसिंग हो तो घर जरूर नहीं घर में हम मास्क पहने, लेकिन जब आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे या क्लिनिक्स में जाएंगे तब आपको ट्रिपल, या घर में कोई बीमार हो जाए, बीमार हो जाएगा तो फिर उसको लगाना चाहिए, और हम जब उससे बात करने जाए तो हमको भी लगाना चाहिए, दोनों को ट्रिपल लेयर मास्क बेहद जरूरी है। वैसे नॉर्मल जो संक्रमण का इन्फेक्शन हमारे देश में पहले जिसका पालन नहीं किया हुआ है उसका यह था कि जिस भी आदमी को सर्दी खांसी होगी वो आदमी मास्क पहनेगा, ये मास्क उसको खुद को ताकि दूसरों को वो इन्फेक्ट नहीं करे खांसते चिकने जी, ये कोरोना नहीं आया था तब भी ये प्रोटोकॉल था, तब भी हम, मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को अक्सर क्लास में कहता था कि भाई अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी हो जाए तो मेहरबानी करके आप 5 दिन की छुट्टी ले लीजिए, क्लास कॉलेज में मत आइए, कम से कम 3 दिन तो कॉलेज में मत आइए, क्लास में मत आइए, क्योंकि आप अपने साथ वालों को बीमार कर रहे हैं। बिल्कुल सर। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मास्क पहनने के लिए, ये जो मास्क है हम इसको ट्रिपल लेयर मास्क है, इसको हम एक मास्क को जैसे सपोज डॉक्टर्स या हॉस्पिटल या जो भी उसने एक दिन यूज किया तो उसको हम आम आदमी के पर्पज से बताएं, लेकिन अगर उसको जैसे पहनना है सपोज आपको, तो इसको पहनने के लिए हमारे पास इस ऐसा पकड़ के हम इसको लेंगे, एक ले एक इसके नीचे लाएंगे और दूसरा हमारा, लेकिन इस प्रक्रिया में जो मास्क के अंदर की सरफेस है वो टच नहीं होना चाहिए, वो नहीं छूना आपको, अंदर हाथ नहीं लगना, जो भी लगेगा हाथ बाहर लगेगा। और इसको इसी प्रकार निकालने के लिए भी हमको बहुत ही ऐसे तरीके से निकालना चाहिए जिससे कि हमारा चेहरे पर टच या नहीं हो, बिकॉज ये तो कोई इन्फेक्टेड मास्क नहीं, इसलिए मैं आपको एक तो ये, दूसरा ये बात हो गया घर के अंदर का, और दूसरा ये कि अगर हमको ऐसा कोई भी सिम्टम आता है तो फिर हमें उसको डॉक्टर के संपर्क में, ऐसा टेलीमेडिसिन से हम, सर अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं, अब देखिए लॉकडाउन खुल जाएगा 3 तारीख को, बहुत सारे जिलों में खुल जाएगा, बहुत सारे शहरों में खुल जाएगा, ठीक है हम थोड़े से दुर्भाग्यशाली लोग हैं, हमारे इंदौर में 3 दिन नहीं खुलेगा, मुझे लगता है कि 15 दिन और लॉकडाउन जाएगा, तो जब भी लॉकडाउन खुलेगा हमें क्या क्या सावधानियां बरतने, हम अपने घर से दुपट्टा या कपड़ा लपेट कर ही निकलें? देखिए नंबर 1 जो COVID-19 का प्रिंसिपल जो ट्रीटमेंट है, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, 2 फीट का दूर, 2 गज, प्रधानमंत्री ने भी बताया कि 2 गज, क्योंकि माइक्रो ड्रॉपलेट 5-6 फीट तक जाते हैं, इसलिए हमें 2 गज यानी 2 मीटर का डिस्टेंस हमको मेंटेन करना पड़ेगा, और कम से कम ये 2 गज नहीं हो तो 1 मीटर का डिस्टेंस तो हमको मेंटेन करना है। क्लिनिक्स में अगर आप जाते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अकेला मरीज है वो जाए, उसके साथ 2-4 लोग नहीं जाएं, या एक मिनिमम अगर छोटा बच्चा है तो उसके साथ 1 जाए, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं भीड़ में, क्योंकि आपका खुद का भी रिस्क है और डॉक्टर का भी रिस्क है और जो तीसरा मरीज वहाँ बैठा रहेगा, इसलिए क्लिनिक्स में पुराने सिस्टम के हिसाब से हम नहीं चल सकते कि वहाँ भीड़ है मरीज में और आप बैठ जाएंगे, हमको क्लिनिक में भी ऐसी व्यवस्था करना पड़ेगी कि 3 फीट का कम से कम दूरी मरीजों के लिए बैठ कर रखना। दूसरा, बाहर जाने के लिए हमको क्राउडेड सिचुएशन अवॉइड करना है, हमें डिसिप्लिन करना, क्योंकि ये वायरस अभी कई महीने या साल, 2 साल, कम से कम साल भर तो हमारे वातावरण में रहेगा,
तो इसलिए जब तक कि वैक्सीन नहीं आती इसके लिए प्रॉपर, या कोई दवा नहीं आती, टेबलेट, एंटीवायरल टेबलेट नहीं आती, तब तक इसका इलाज करना मुश्किल हमारे लिए। सितंबर तक आ जाए ये सब अखबारों में पढ़ा था। हाँ, लेकिन सितंबर 20 के सितंबर 21। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो वैक्सीन आएगी वो जनरल फील्ड में और इंडिया के लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे, ये सब सिचुएशंस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अभी तो हमारे लिए रोकथाम करना ही एकमात्र इलाज है, और रोकथाम में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज करना, किसी प्रकार का मास्क का यूज करें आप, लोगों से दूरी रखें, हैंड वॉश करें, अनजान सतह पे आपको टच नहीं करना है, यूज नहीं करना है, और जेब में या कार में या कहाँ भी आपके सैनिटाइजर की बॉटल रहे, कहीं भी अननोन प्लेस जाते हैं तो सैनिटाइजर से, डॉक्टर के क्लिनिक में अगर आता है तो मरीज का सैनिटाइजर से क्लिनिक में हाथ साफ करना पड़ेगा। सर, बहुत दिक्कत ये है इस वायरस की डॉक्टर साहब, कि ये कपड़ों पर भी रह जाता है, ये सरफेस पे भी रह जाता है, टेबल पे, सनमाइका पे, ये स्टील का हैंडल वेंडल लगा रहता है अलमारी का, उस पर भी लग जाता है, दरवाजे के जो लोहे के लगे रहते हैं हैंडल, जिसको हम दरवाजा पकड़ खींचते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, चटकनी लगाते हैं, उस पर भी लग जाता है, हम किसी के घर में घुसेंगे, मेन गेट खोलेंगे, मेन गेट धक्का देंगे तो लोहे के जो मेन गेट बने हैं उस पर भी रह जाता है, हमारे पेन में भी रह जाता है, हमारे मोबाइल की प्लास्टिक कवर है उस पर भी रह जाता है, तो कैसे बचेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले हमें हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है जिसको ब्लीच भी कहा जाता है, तो उस सॉल्यूशन को हमको रोज जो भी सर्फेसेस हमारे क्लिनिक की है, जहाँ की घर की पॉसिबली, जहाँ इंटरेक्शन हो रहा है ऑफिसेस की है, उससे आपको सर्फेसेस को क्लीन करना पड़ेगा 1% हाइपोक्लोराइड, और वो सॉल्यूशन ऐसा है कि आपको रोज 24 घंटे तक उसकी एफिकेसी रहती है उसको बनाना, और क्लिनिक में भी जैसे हम तीन चार पेशेंट देखेंगे उसके बाद क्लिनिक को सर्फेस को हमको करना पड़ेगा, या हाइपोक्लोराइड के स्प्रेज आते हैं वो उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ें तो बहुत डिफिकल्ट हमको है, जिसका हमें को पालन करना पड़ेगा। ये इसका डॉक्टर साहब, आपने चूंकि बहुत पूरी बहुत सारा देश देखे हैं, आपने पढ़ाई भी बहुत विदेश में की है, विदेश में आपने प्रैक्टिस भी की है मेडिकल की, और जहाँ पढ़ के आए इंग्लैंड और अमेरिका, या जहाँ आपने काम किया है, वहाँ तो बहुत बुरी हालत है, और अपेक्षाकृत भारत में बहुत हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। नरेंद्र मोदी जी की इस कोरोना में किस जो उन्होंने लॉकडाउंस किया है, जो कुछ किया, उसमें आप क्या कमी पाते, क्या और इनको नरेंद्र मोदी को क्या और बेहतर करना चाहिए था, या नरेंद्र मोदी ने जो कुछ स्टेप्स उठाए उससे आप सहमत हैं, क्या आपकी आकलन है? देखिए, भारत जैसे देश में जहाँ हमको खांसने चीखने के एटिकेट्स की प्रॉब्लम है, जहाँ लोग चाल में या बस्तियों में रहते हैं, लोग क्राउडेड सिचुएशन में रहते हैं, एजुकेशन का लेवल कम है, तो वहाँ विदाउट लॉकडाउन तो हम असंभव है। स्वीडन अफोर्ड कर सकता है कि उन्होंने विदाउट लॉकडाउन उन्होंने मैनेज किया है, लेकिन हम हर्ड इम्यूनिटी के बल पे हिंदुस्तान में बिल्कुल पॉसिबल नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुंबई में धरावी या दिल्ली में ऐसे कई एरियाज हैं, वो इसीलिए होगी जो क्राउडेड सिचुएशन में ऐसे लोग रहते हैं, वहाँ ट्रांसमिशन बहुत होता है, और एक वायरस, एक पेशेंट जो कोरोना इन्फेक्टेड, जिसके बारे में हमको मालूम ही नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नहीं है, वो न जाने कितने लोगों के संपर्क में आएगा, कितने लोगों को ट्रांसमिट करेगा, उसका एसिम्प्टोमेटिक जिसको हम बोलते हैं, उसमें निशानी नहीं दिखते, 80-85% तो ऐसे लोग हैं जिनको हमको मालूम ही नहीं कि ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, ये कोरोना से बाहर आ चुका है। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एजम्पशन और सावधानी, और उसके आधार पर ही हमको इलाज। तो मोदी की भूमिका को आप किस तरह से आंकते हैं? मोदी जी की भूमिका से हम देश, इस देश को आप सोचे कि दुनिया के हर लीडर ने, अमेरिका से लेके जितने भी यूरोपियन लीडर है, यूके के हैं, वो उस सब लोगों का एक ही नजरिया है कि भारत, भारत को वो एक लीडर के रूप में, टास्क फोर्स के लीडर के रूप में देखते हैं, क्योंकि भारत ने इस लॉकडाउन की चीज से, फिजिकल डिस्टेंस, सो मेनी थिंग्स, प्रधानमंत्री ने पीपीई किट्स हुआ, मास्क हुआ, सैनिटाइजर हुआ, हर चीज का सही समय पे प्रॉपर इंतजाम किया। कुछ खामियां रहती हैं कुछ माइग्रेंट वर्कर की, या जो इतने बड़े देश में 130 करोड़ के लोगों में संभालना नहीं है, तो ठीक है कुछ खामियां हो सकती है, लेकिन उन्होंने इतने सारे काम किए हैं हिंदुस्तान को, एक तरह से मृत्यु से, मृत्यु का जो आंकड़ा अमेरिका में 50,000-60,000 है, उस आंकड़े से बचा है। तो ये मोदी जी के कार्य में कुछ शॉर्टकमिंग्स हो सकती है, लेकिन वो ही एक सबसे बेस्ट तरीका है, और अभी पूरा देश इस बात को मानता है। मुझे मोदी जी के लिए सर्टिफिकेट मुझे देने का जरूरत नहीं, पूरा देश इस बात को मानता है कि मोदी जी की वजह से भारत आज सुरक्षित है। डॉक्टर साहब, लेकिन मोदी जी के साथ साथ जनता की भी तो एक भूमिका है, कि जनता अवेयर हो रही है, जनता सुरक्षा करने लगी है। ये बात बिल्कुल बेहद सही बोला है आपने प्रतीक जी, क्योंकि लोगों को कोरोना से डर है, तो लोगों के मन में भी ये समझ में आ गया, अब समझ में आ गया है। पहले तो कई लोग नहीं समझते थे, ग्रुप में जाते थे, वर्शिप के प्लेसेस पे ग्रुप्स में गए हैं उन्होंने, लेकिन अब जो लोग हैं, जिन लोगों को इतने सारे लोग की मॉर्टेलिटी, मृत्यु हो चुकी है या बीमार हो चुके हैं, तो अब उन लोगों को समझ में आ गया है कि हमें खुद को बचाना है, तो हमें जो प्रिंसिपल हैं इसके, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये सब प्रिंसिपल का पालन करना पड़ेगा आपको।
तो ये अब जनता जागरूक हो रही है, जनता पूरी जागरूक हो गई है, और अगर थोड़े बहुत लोग अभी नहीं है जागरूक तो वो भी आने वाले समय में डेफिनेटली, क्योंकि क्योंकि इस कोरोना ने बता दिया है कि कोई मजहब कोई धर्म आपको बचा नहीं सकता, आपको सावधानी ही बचा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, क्योंकि और दूसरा आपकी खुद की रिस्पॉन्स है। अगर मैंने एक डॉक्टर के होते हुए अगर मैंने क्लिनिक को ढंग से संचालित नहीं किया तो मेरे जो मरीज देख रहा हूँ उनमें से ना जाने कितने मरीज को संक्रमण फैल सकता है। तो मुझे इतनी सारी प्रिकॉशन और प्रोटेक्शन रखना, आपको भी रखना, आपके घर के परिवार के लोग हैं, अगर आपको कुछ कहीं से जाके लेके आ गए संक्रमण तो आपके परिवार के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं। तो इसलिए हर आदमी समझ भी चुका है, लेकिन अब कुछ और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए हमको उसको कोविड के बारे में, हमें क्योंकि सिर्फ चीज़ें हम अखबारों पढ़ के या इसके मीडिया से पढ़ के और हम उसको नॉलेज के लिए हमको उस बीमारी के बारे में समझना है, बीमारी के बारे में पढ़ना है, प्रिकॉशन के बारे में पढ़ना है, तो जब हम नॉलेज एक्वायर करेंगे तो हम इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बट अक्सर मुझे ये लग रहा है कि अब ये कोविड 19 के आने के बाद जो हमारी दुनिया होगी उसमें मेडिकल फैसिलिटीज, डॉक्टर्स, अस्पताल, दवाइयाँ और महंगी हो जाएंगी। क्योंकि अभी तो क्या होता था कि एक चैम्बर है, एक डॉक्टर साहब ने तीन मरीज एक साथ बिठा रखे हैं, तीन को एक साथ देख रहे हैं, उनका स्टैंड जो है एक का ब्लड प्रेशर ले रहा है, दूसरा स्टैंड एक की पर्चा भर रहा है और तीसरे को वो देख रहे हैं। बाहर जो उनका केबिन है उसमें गाँव में आप जाएं या यहाँ भी इंदौर में कई नामी ग्रामीण डॉक्टर्स हैं, उनका जो प्रतीक्षा रूम है, वेटिंग कक्ष, वो खचाखच भरा हुआ है, बैठने की जगह नहीं, दो तीन चार तो खड़े रहते हैं, दो चार पाँच दस बीस बैठे हुए हैं, दस बारह खड़े हुए हैं, घुस घुस के बैठे हुए हैं, तो अब ये संभव हो नहीं पाएगा। जी, और तो अब ये जब डॉक्टर अभी तो 6 से 9 की ओपीडी में रात में क्लिनिक में वो 50-70 पेशेंट देख के और निकलता था तो उसकी फीस 300-500 रुपये थी, अब वो देख सकता है केवल 10 पेशेंट, तो जाहिर है उसकी फीस भी बढ़ाएगा, वो खर्चे तो वही हैं। फीस तो बढ़ना तो एक अलग बात है, लेकिन जो ये क्लिनिक के मेंटेनेंस के लिए जो चीज़ें यूज होगी, जो किट्स होगी, उन सब चीज़ों से कॉस्ट बढ़ेगी। आपको ये मैं बता दूं, मेरा बेसिक सवाल ये, क्या इलाज महंगा होगा? बिल्कुल बिल्कुल महंगा होगा, यही सवाल है मेरा, बिल्कुल महंगा होगा, बिल्कुल महंगा होगा। दूसरा है कि हम अब ऐसा नहीं कर सकते कि 20 मरीजों को हमको मरीजों को स्पेस देके बुलाना पड़ेगा, क्लिनिक में अपॉइंटमेंट सिस्टम से बुलाना पड़ेगा। और एक और बात जो महत्वपूर्ण बता देता हूँ मैं सभी दर्शकों को कि आप मरीज को अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाना है और उसको 2-4-5 मिनट में मरीज डॉक्टर को बता के क्लिनिक से बाहर आना है, क्योंकि अगर वायरस वाले इन्वायरमेंट में अगर कोई मरीज ज़्यादा देर तक रहता है तो उसके संक्रमण के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आपने 5 मिनट में क्लिनिक में से बाहर आ गए तो आपके वायरस के संक्रमण होने के चांसेस बहुत, तो ये सबसे बड़ा मतलब ऐसा नहीं चलेगा डॉक्टर साहब आपने 3 महीना पहले हमारे नीली गोली दी थी, नहीं वो हमारे बहुत अच्छी लगी और अब आप तो पीली दवाई दे दो, और वो ऐसी कोई दवाई नहीं दी थी आपने जो हमारे से हिलानी पड़ती थी, अब ऐसा इलाज नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होगा, डॉक्टर के पास कम शब्दों में स्पेसिफिक बात करना, कम समय क्लिनिक रहना, आपकी सुरक्षा के लिए ये जरूरी है, और समय लेके जाएं, टाइम लेके जाएं, और डॉक्टरों को भी अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ा, क्योंकि अब कोविड से हर आदमी को समझ में आ गया कि दुनिया में दौलत की। लेकिन डॉक्टर साहब हम ट्रेवल्स कैसे करेंगे, आप हम यात्रा कैसे करेंगे, हमको हवाई जहाज में यात्रा करनी है, ट्रेन में यात्रा करनी है, बस, ये तो खचाखच भरी रहती है। हवाई जहाज के लिए बिल्कुल प्रोटोकॉल हर चीज के गाइडलाइंस हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए उसमें, और उन्होंने बताया जो प्लेन की फ्लाइट है उसमें 2 सीट खाली रहेगी, 1 सीट के बाद 2 सीट खाली रहेगी, तो शायद फ्लाइट्स के टिकट महंगे हो जाएंगे, टिकट महंगे हो जाएंगे, टिकट महंगे होंगे, लेकिन वो ये ट्रेन में आप करेंगे, ट्रेन में भी यही करना पड़ेगा, ट्रेन में जो साइड वाले में टिकट का भी, और बसों में भी आपको यही करना पड़ेगा, सब दूर हमेशा जो फिजिकल डिस्टेंसेस का प्रिंसिपल है। तो आप शादी विवाह कैसे होंगे, समारोह कैसे होंगे, हम तो उत्सव प्रिय लोग हैं, हमारे यहाँ तो सत्यनारायण भगवान की कथा में भी 100-150 लोग आ जाते हैं। आने वाले 4 से 5 महीने तक इस प्रकार के जो समारोह उन सब पे प्रतिबंध रहेगा, अभी कोई भी समारोह या पब्लिक गैदरिंग अभी आप कर नहीं सकते। नहीं, पर 5 महीने बाद भी इसकी क्या गारंटी है कि हम ये सब कर पाएंगे? अगर वो ग्राफ कोविड-19 वायरस का ग्राफ हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं जो लगे हुए हैं, वो बता देंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में से जहाँ केसेस आना बंद हो गए हैं, जिन जिलों में केसेस आना बंद हो गए हैं भारत में हो गए, तो वो ग्राफ के माध्यम से हमको सब पता लग जाएगा, उस परिस्थिति में हम थोड़ा स्वतंत्र हो जाएंगे। और तब तक मुझे उम्मीद है कि वैक्सीन और एंटीवायरल टेबलेट का, एक यूएस में ऑलरेडी एंटीवायरल ड्रग का, ये सर ये बार बार क्या बताया जा रहा है कि हमारे वुहान में, चीन के वुहान में जो वायरस आया था सेम वही वायरस हमारे यहाँ, इसलिए हमारे यहाँ मौत ज़्यादा हो रही है इंदौर में, और 3-लेयर वायरस होता है, कहीं एक केरल में तो ये 1-लेयर वायरस पहुँचा जल्दी ख़त्म हो गया, और इंदौर में 3-लेयर वायरस आया है जो वुहान में था। देखिए अब इस बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नॉलेज अभी लोगों के पास नहीं है, लेकिन जो डिफरेंट सेवरल स्ट्रेन होती है वायरस की, उसमें 2-3 स्ट्रेन होती है, एक स्ट्रेन जिससे कि जिससे मौत ज़्यादा होती है या विरुलेंस ज़्यादा होता है,
तो वो ऐसा बताया जाता है कि वो इंदौर जैसे शहर में ज़्यादा है। मैं उससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन वायरल की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स जरूर हैं और उसके बारे में अभी हमको रिसर्च करना पड़ेगी और ये रिसर्च चल रही है। चल रही हमारे यहाँ से भी कहा गया है कि हम उसके सैंपल भेज रहे हैं, पुणे भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, ताकि पता चल सके कि हमारे किस लेवल का वायरस है। मैं एक दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ सुनी हुई या ऐसा कहीं भी पड़ी हुई ऐसा कुछ नहीं देख रहे, किसी भी चीज़ को आपको कंफर्म करना है तो ICMR या जो हमारी नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी गाइडलाइन के मुताबिक ही आप किसी भी चीज़ का ज्ञान करें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, क्योंकि आप जैसे कई बार आपको लगेगा आप न्यूज़ में पढ़ लिया कि प्लाज्मा थेरेपीज हो गया, तो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी का अभी तक प्रूवन रोल नहीं है। एक वो रिसर्च स्टेज में है और जिस दिन हमारे यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल या अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं वो अगर ये प्रूव कर देंगे कि प्लाज्मा थेरेपी का एक रोल है इसको सीवियरिटी कम करने, बीमारी को कम करने में, तभी हम उसका। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप कोरोना से पीड़ित हो या आपका कोई मरीज कोरोना से पीड़ित हो और आप डॉक्टर को फोर्स करें कि साहब इसको प्लाज्मा चढ़ाओ। हाँ बिल्कुल भी नहीं, इस प्रकार का कोई इलाज नहीं अभी वायरस के लिए, कोई इलाज आज की स्थिति में कोई भी नहीं, और कुछ महीनों बाद ही इसके बारे में हमें स्पष्ट स्थिति क्लियर होगी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय चौड़िया जो बता रहे थे, जिन्होंने बहुत सारे फंड क्लियर करने की कोशिश की है, बहुत सारे शंकाओं का समाधान करने की कोशिश की है, जो आपको बता रहे थे कि घर में भी आप सुरक्षित रह सकते हैं, ठंडा चीज़ बिल्कुल मत खाइए और विटामिन सी का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको सर्दी खांसी जुकाम ना हो, और अगर एलर्जिक हैं तो अपने आप को मुँह से ढक के रखें, धूल धुएँ से बचें और कोशिश करें कि जरा सी बीमारी होने पर इसको बिल्कुल लेतलाली ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। हालाँकि ये भी वो कह रहे हैं कि भारत में अगर स्थिति इतनी खराब नहीं है तो निश्चित रूप से उसको मोदी जी जैसे लीडर को उसका श्रेय जाता है जिन्होंने समय रहते लॉकडाउन किया, सख्ती दिखाई, और हम उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी ही इस महामारी पर विजय प्राप्त करेंगे, इस वायरस पर विजय प्राप्त करेंगे। हम लगातार डीजेएनएन न्यूज़ अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लगातार अपने दर्शकों को हम हमारे स्टूडियो से किसी ना किसी एक डॉक्टर्स को रोज़ बुलाते हैं, रोज़ आपको नए विषय पर, नई बीमारी पर आपको उस एक्सपर्ट से, विशेषज्ञ से आपके शंकाओं का समाधान कराने की कोशिश करते हैं ताकि आपको घर बैठे इलाज मिल सके, सलाह मिल सके, मार्गदर्शन मिल सके और ये हौसला मिल सके कि ये बीमारी से डरना नहीं है, लड़ना है। देखते रहिए डीजेएनएन न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।